रिव्यूज सच जरूरी है। छात्रा से अश्लील हरकत करने का आरोप। खंड के एक गांव में 4 माह पहले प्राइवेट स्कूल के वैन चालक और वैन में अश्लील गीत बजाने और छात्राओं के साथ गलत हरकत करने के आरोप में पुलिस ने स्कूल डायरेक्टर एवं प्राध्यापक तथा वैन चालक के खिलाफ केस दर्ज किया है। हालांकि घटना के बाद से ही पीड़िता और परिवार के अन्य 6 सदस्यों के पिछले 4 महीनों से पढ़ाई प्रारंभित की गई है और उनका स्कूल जाना भी बंद हो चुका है। एएसपी को विधि शिकायत में पीड़िता 13 वर्षीय छात्रा ने आरोप लगाया था कि स्कूल वैन चालक साधुराम ने वैन के अंदर स्टीरियो लगाया था और उसने वह अश्लील गाने चलाता था और उसके साथ ही कई बार अश्लील हरकत भी करता था। जब उनकी शिकायत प्रिंसिपल से की तो उन्होंने वैन से स्टीरियो का हटवा दिया और उसके चलते चलते उसके साथ एक साथ रंजिश में रखने गए और चालक ने इसके बाद बदला लेने के लिए मास्टर छोटू राम को अपने पक्ष में ले लिया और आरोप है कि वह उपरोक्त मास्टर के उसे एक बिना किसी मतलब के बेरहमी से टांगों के बीच में डालकर पीटा और उसने उपरोक्त मास्टर एक हाथ में दिव्यांग है और वह जब 14 अक्टूबर 2022 को एक बहन के वैन में चालक की एक हिरासत में लिया और उसके बारे में अपनी माँ को भी बताया और वहां पर उसके पिता ने सब बातें सुन ली और गुस्से में आकर उसके पिता ताऊ के एक चालक के पिटाई कर दी और मगर जब वह स्कूल में पढ़ने के लिए गई तो डायरेक्टर ने उन्हें बाहर ही निकाल दिया और भविष्य में पीड़िता व उसके परिवार के 6 अन्य छात्राओं को पढ़ने से इनकार कर दिया और स्कूल से हटाए जाने के बाद सीएम विंडो से लेकर गृहमंत्री तक शिकायत दी गई और इसीलिए 4 महीने बीत जाने के बाद पुलिस ने अब कार्यवाही की है और वैन में कोई स्टीरियो नहीं है और वह षड्यंत्र के तहत फंसाया गया है। डायरेक्टर वही स्कूल के डायरेक्टर ने बताया है कि स्कूल के किसी भी वैन में स्टीरियो नहीं है और छात्राओं के बेहरा बनाया गया एक षड्यंत्र रच रहा है और वह FIR भी दर्ज करवाई गई है। 13 अक्टूबर को वैन चालक साधु राम की पिटाई कर दी गई और चालक को अग्रोहा मेडिकल में भर्ती भी कराया गया। पुलिस ने 14 अक्टूबर को 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है और मगर इसी मुकदमे के चलते क्रॉस केस बनने के चक्कर में वही कई जगह की शिकायत भी की गई है। अब 2 फरवरी को छात्राओं के साथ छेड़छाड़ करने व अश्लील गीत बजाने का आरोप लगाया गया है और उससे कोई सच्चाई नहीं है और हमें बेवजह फंसा गया है। पुलिस ने नाबालिग छात्रा की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ धारा 75JJ एक्ट और पॉक्सो एक्ट के तहत 354A 34 IPC के तहत केस दर्ज किया है और जांच शुरू कर दी। पीएम मोदी के भाषण के फैन हुई कंगना रनौत। उनके भाषण में पीएम मोदी ने विपक्ष में एक शायराना अंदाज में हमला बोला है और उन्होंने कहा है कि कीचड़ उसके पास था मेरे पास, जिसको जो भी पास था उसके दिया उछाल। पीएम मोदी ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा था कि जितना कीचड़ उछालोगे कमल उतना ही खिलेगा और अब पीएम मोदी इस भाषण का भी कंगना रनौत उनकी फैन हो गए हैं। सोशल मीडिया पर पीएम मोदी की तारीफ करते हुए वह विपक्ष को भी तड़े हाथ ले रही है और उन्होंने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के ट्वीट को रिट्वीट किया है और उन्होंने लिखा है कि चाहे शेर की तरह दहाड़ लो और सूरज की तरह चमके बदलों की तरह गरजो या बिजली की तरह धड़के, प्रधानमंत्री अभी मर्यादा में बाहर नहीं जाते, लेकिन आज भी जिस तरह वह व्यवहार विपक्ष की दिखाता है और वह शर्मसार है और मर्यादी है। बता दें कि कंगना ने हाल ही में ट्विटर पर एक वापसी की है और 14 जनवरी को उनका अकाउंट दोबारा बदला गया है और साल 2021 में पश्चिम बंगाल की ममता सरकार का यह कमेंट किया था वजह से उन्हें अकाउंट के ट्विटर को बंद कर दिया गया था। वर्क फ्रंट की बात करें तो कंगना ने इन दिनों फिल्म इमरजेंसी में काम कर रही है और फिल्म का निर्देशन भी यह खुद भी कर रही है और इस फिल्म को 20 अक्टूबर को रिलीज होने के लिए तैयार किया गया है। डंकी के बाद इस बायोपिक का निर्देशन करेंगे राजकुमार हिरानी। फिल्म डंकी को राजकुमार हिरानी ने निर्देशित कर रहे हैं और यह वजह है कि इस फिल्म का इंतजार लोगों को बेसब्री से है और इस बीच अब डंकी के बाद राजकुमार हिरानी ने अगले प्रोजेक्ट को भी पर्दा उठा दिया है और एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक डंकी बनाने के बाद राजकुमार मशहूर क्रिकेटर लाला अमरनाथ के एक बायोपिक बनाएंगे और रिपोर्ट्स के माने तो यह राजकुमार कुमार हिरानी के एक मशहूर शाहरुख खान के डंकी के साथ लाला अमरनाथ की बायोपिक का भी ऑफिशियल कर दिया है। हालांकि शाहरुख खान ने डंकी को चुना था। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फिल्म को तैयार हिरानी
ने किया है और साल 2019 में ही कर रहे थे, और लेकिन शाहरुख खान की और डंकी को चुने जाने के बाद ही रोल दिया गया था। और अब ईरानी डंकी के बाद दोबारा इस बायोपिक को बनाने के लिए मान गए है, और दावो किए माने तो इसके लिए उन्होंने बीते दिन हिरानी बॉलीवुड के उन डायरेक्टर में से एक है जिन्होंने अब तक केवल सुपर हिट फिल्में बनाई है। और मुन्ना भाई MBBS से उन्हें अपने करियर की शुरुआत करने वाले हिरानी ने अब तक लोगों रहे मुन्ना भाई का भी अच्छी प्रदर्शन किया है, और वह बॉक्स ऑफिस और फिल्म का भी अच्छे साबित हुई है। अब वह शाहरुख खान के साथ एक डंकी पर काम कर रहे हैं और फिल्मों को इसी साल दिसंबर में रिलीज करने की तैयारी चल रही है।